ये बड़ा जोरदार काम किए। अजा भोज सेतु और इसे नमकीन चाय थी, मीठी भी थी, नमकीन भी। बीच रोड में मस्जिद है क्यों? मूर्ति किसकी है ये समझ नहीं आ रहा है। दिस इज आवर भोपाल ब्लॉग। ब्लॉग में डालना मत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है भोपाल में हमारा सेकंड डे और अभी लगभग 10:15 के आसपास बजे है और मैं अभी उठा हूँ और यहाँ रूम में खड़ा हूँ। यार ये बहुत अच्छा ये रूम से यहाँ पे लगता है। ये देखना, एक बालकनी है स्टेयर से और ये बिल्कुल ना जा रहा है यहाँ से। एकदम पास में ये इंद्रपुरी है। रूम का ये वाला जो एरिया है बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा भोपाल भ्रमण करने और देखते हैं भोपाल में क्या क्या है। ये रहा गर्मा गर्म पोहा, पोहा और जलेबी बढ़िया। और यादव टी स्टॉल, दो महीना हो गया तो ये पूरी चाय आप ही बना लेते हो अकेले एक ही हाथ से। एक हाथ क्या पहले से नहीं है कि बीच में कुछ हो गया था? क्या बात है भैया, एक नंबर। अरे मोती मस्जिद जाना था भाई, चले कितने रुपए? चलो ये खोल लिया हमारे लक्की भाई ने दरवाजा, बैठ चुके हैं। यहाँ बैठने का अलग ही मजा है। अरे अरे अरे, वो गेट लॉक कर दिए आपने? गेट लॉक कर दिए, बिल्कुल गेट लॉक कर दिए। यहाँ पे क्या है, जब मैं भोपाल में फर्स्ट टाइम आया था ना तो यहीं बैठा था और आज भी यही, मतलब अलग ही मजा आता है यार। ऐसा पैर बाहर निकाल लो, ऐसी हमारी फोटो भी एक 5-6 जूते एक साथ है, 4-5 ऐसे सब यू एक नंबर लगता है ना। भारत टॉकीज का चौक है और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही खतरनाक तरीके से बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। हर जनादार को मौत का मजा चखना है, क्या बात है। भोपाल की छोटी छोटी गलियां जोरदार तरीके से। रोड में पहली बार आ रहा हूँ मैं, बहुत काफी समय से रहा तो हूँ भोपाल में। गली पूरा चिकन मार्केट है, बहुत ही खतरनाक बांस आ रही है यहाँ पे, बदबू बांस जी। अब वो छोटी सी गाड़ी यहाँ बता रहे, चप्पल मिल जाती है, जींस मिल जाते। सही बात है। भीड़ देखी एक बार, भीड़ एक नंबर जोरदार। ये बड़ा जोरदार काम किए, टोपे पहना दिए नारियल के। फ्रूट्स मार्केट है। हाँ ये पूरा फ्रूट्स मार्केट लग रहा है। हम जितने भी एरिया से आ रहे मार्केट वाले एरिया से ही आ रहे और ट्रैफिक एक नंबर। कौन सा चौक है पता नहीं, लेकिन क्या पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी यार। और मेरे पीछे ये मोती मस्जिद है। अरे हमारे जस्ट सामने रहा राजा भोज सेतु और इसी के बड़ा बड़ा तालाब जिसको बोलते लेक व्यू। गर्मा गर्म पता नहीं क्या बन रहा है, तो नाश्ता पानी की दुकान है और ये चाय जोरदार। तो चाय पीने आए बना दो ना, बड़ी जोरदार ही चाय, पानी भी है काला काला जोरदार। ये आइए थोड़े अलग ढंग से बन के चाय, जिसमें चाय अलग था और काला पानी अलग था, टेस्ट करके देखते हैं। राजा भोज सेतु बड़ा जोरदार दिख रहा है यहाँ से। चाय पिए सदा बाहर, क्या समा बाहर चाय करके कुछ नाम बोल रहा था। नमकीन चाय थी, मीठी भी थी, नमकीन भी थी, दूध अलग, फिर उसके बाद चाय पत्ती वाला पानी अलग, और फिर चाय मिलवा दी। ये अच्छी बात है, जरूरी है यार, लग जाती थी। सही बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ नहीं तो मेरा ध्यान भी नहीं था। मैं बोल रहा हूँ नहीं इधर जानता, नहीं तो मैं ज्यादातर लोग को बता दूँ। और पीछे हमारे हैं लेक व्यू,
ये देख सकते हैं आप, जोरदार कमला पार्क। हाय हाय, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, इसको तालाब नहीं बोलते भाई, इसको समुद्र बोलते। इतना मंदिर, बीच रोड में मस्जिद है क्यों? हजरत चमेली साहब बाबा। ये है कमला पार्क, जोरदार। इसके अंदर का इतना दिख नहीं पा रहा, इतना ग्रीन है यहाँ पे। और यार बच्चे अच्छे खेल रहे, वाह। और मौसम भी, आहा, मौसम सुहाना मौसम है। मैं ये जैसा मौसम बन जाता है ना, तो अगर बालाघाट में भी ये मौसम बनता है ना, तो मेरे को भोपाल की याद आती है। क्या होता है, कुछ यादें जुड़ जाती है दिमाग से। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम भोपाल आया था, तो इसी टाइप का मौसम था। और तुम कहीं भी फर्स्ट टाइम जाओगे घर से पहली बार या किसी एरिया में पहली बार, तो वो वाली सब चीजें तुमको याद आने लगती है, दिल से जुड़ जाती है। कावासाकी। और ये कुछ वॉशिंग सेंटर और जिम का रास्ता कुछ ऐसा जाने का। तो ये रहा सामने जिम। तो अभी जिम गए थे, जिम में मैनेजर सर नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि 6 बजे आना। और 6 बजे देखते अभी इधर उधर देखते करते कुछ टाइम पास 6 बजे तक के। और फिर बहुत ही जोरदार मूर्ति है यार, ग्वालियर के किसी प्रभात कार ने बनाया है, पर मूर्ति किस चीज की ये समझ नहीं आ रहा है। मूर्ति किसकी है ये समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये छोटी सी पुरानी बिल्डिंग, और उसी के साथ में ये तालाब। झीलों की नगरी भोपाल है, तो झील तो मिलते ही मिलेंगे। कुछ रूट पर सुपर टेबल पास का लाभ उठाएं। हेलो ब्रो, क्या करो, इधर चलना, इधर उधर उधर किधर उधर, तू इधर कहाँ से आ रहा है? आपको लेने आ रहा था। और क्या? ओ, ऐसा है क्या? सब बढ़िया चल रहा है। सक्षम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सक्षम पहुंच गया। चलो वहीं पे। हेलो गाइस, हेलो, हाय गाइस, हाय, कैसे हो आप लोग? सक्षम ठाकरे, दिस इज आवर भोपाल ब्लॉग। एरिया का नाम बताओ भैया। चाय सुट्टा बार क्वार्टर, माय नेम इज निखिल रामदाले। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं भैया, इंद्रपुरी और बैठे हैं, चाय सुट्टा बार में चाय चल रही है सब दोस्त लोगों के साथ। आप आई जाइए, एक चाय ले मंसूर भैया के तरफ से। अब वो लाओ चाय। अभी हम पी रहे चाय सुट्टा बार भोपाल की चाय, जिंजर चाय। और आप भी पीजिए कभी भोपाल आके, ये चाय बहुत ही अच्छी है। तो सारे चाय सुट्टा बार है यार यहाँ पे यार। गौरव सक्षम भाई, तुम्हारा नाम ही सक्षम है यार, तुम लेकिन सक्षम नहीं हो। पता नहीं यार इसका रीजन क्या है, तपासी ब्लॉग में डालना मत है कि नहीं गौरव? सही बात है। हाँ भाई, मिलते यार है ना, जल्दी मिलते। ओके, बाय बाय मिलते जल्दी। ये भैया की दुकान देख रहे हो, बिल्कुल इसी के दम पे है। ये बंद हो गई थी, अभी तो पूरा अंधेरा हो गया था भैया की दुकान में। अरे भैया हमारे लिए आमलेट, आमलेट खा के बस में बैठा जाएगा। बढ़िया, हाँ चलो भाई, लगती थी मिलते। बांधु भैया, बाय 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 बाय, जल्दी आना ठीक है? ओके जल्दी आता हूं। बाय बांधु भैया, चाय पियो आप। बढ़िया, बाय 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 गाइस। ठीक है, तुम लोग जाओ, अच्छे से जाना, ठीक है? आओ भैया, बाय बाय।